बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ऑन थर्ड चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वी डिफाइन दिस बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इंटेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज अ डेफिनेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग को बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, कोई सिस्टम यूज़ करते हुए हम लोग कोई न्यू चीज़ें बनाते हैं, ताकि उस उनको न्यू चीज़ बनाने का मकसद ये हो ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ सिस्टम्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स बना सकें। दिस इज़ कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट यूजली डिस्क्राइब्स द वे वी यूज प्लांट सेल, एनिमल सेल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हम लोग किस चीज़ को यूज़ करें, प्लांट सेल को यूज़ करें, एनिमल सेल्स को यूज़ करें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें, ताकि हम लोग नई चीज़ें बना सकें और वो चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ यूजफुल टू अस। हम लोग तीन चीज़ों को यूज़ करें, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम लोग प्रोड्यूस कर सकें न्यू सब्सटेंसेस, बना सकें न्यू सब्सटेंसेस विच इज़ यूजफुल टू अस। और इन चीज़ों को बनाने का मकसद ये होगा, वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। अब उसने आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। उसने कहा है कि हम लोग किस चीज़ को यूज़ करें, मोल्ड को यूज़ करें, बैक्टीरिया को यूज़ करें, यीस्ट को यूज़ करें, बैक्टीरिया यूज़ करें। अब उसने यीस्ट को जब हम लोग यूज़ करें तो वो किसके लिए यूज़ हो रही है, फॉर द मेकिंग ऑफ द चीज़ एंड द ब्रेड। और बैक्टीरिया जो है वो बहुत अर्से पहले से ही था कि वो बैक्टीरिया को यूज़ करते थे जिससे मिल्क जो है वो, दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम लोग ये प्रोसेसेस कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, न्यू चीज़ें जो हम लोगों को मिल रही हैं, उसको न्यू प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके, इसको हम कहते हैं जी बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन इसके एक और भी है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ वे दैट वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पार्टिकुलर माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस यूजफुल सिंबल। हम लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कोई न्यू चीज़ें बना सकें। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे हमने न्यू चीज़ें बनाई, जैसे वो चीज़ और ब्रेड बड़ा बन गया ये से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए जो हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। अब जब हम लोग इसकी डिटेल, बायोटेक्नोलॉजी की डिटेल को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन क्या होती है। और इसमें जो है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज इन्वॉल्व इन ऑल बायोलॉजिकल टेक्निक्स। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन, जितने भी बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इसके, आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, आप उसको भी देख लें। आप लोग अपने बुक पेज नंबर 54 पे देखेंगे, मेजर पॉइंट्स हैं इसके। यहाँ पे 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, अब हमको पता है सर्टिफिकेट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स के बारे में सब पढ़ा, ठीक है। और डीएनए का स्ट्रक्चर इवन हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सी बेसिस, 4 बेसिस जो यूज़ हुई थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, किसी में डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड की क्या रीजंस थी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अब आप लोगों जस्ट उसकी रेप्लिकेशन पढ़नी है कि वो कॉपी हो जाता है, डबल हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो किस तरह से होगा। इन सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आप लोगों को पता है कंसिस्ट ऑफ द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेल डिवीजन में क्या था कि क्रोमोसोम्स किस पे मुश्तमिल है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। और क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्रोटीन, किसका बना हुआ जी क्रोमोसोम्स, डीएनए प्रोटीन का। फॉर मेकिंग कॉपी ऑफ क्रोमेटिड, अगर तो कॉपी हो रहा है, क्रोमेटिड्स अगर कॉपी हो रहे हैं तो डीएनए आल्सो भी कॉपीड, ठीक है। जब ये कॉपिंग का जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहेंगे रेप्लिकेशन। फॉर मेकिंग कॉपी, क्रोमेटिड्स अगर कॉपी हो रहे हैं तो डीएनए आल्सो भी कॉपीड, एंड दिस कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। आपकी बुक में 55 पेज पे एक छोटा सा की पॉइंट उन्होंने दिया है जहाँ पे उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन किया है। द डेफिनेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन इज दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज टेम्पलेट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। कहते हैं जो आप लोगों ने आइडेंटिकल डीएनए की जो न्यू कॉपी बनती है वो किससे बनेगी, जो पहले से मौजूद डीएनए है, उस जो पहले से मौजूद
डीएनए से जो न्यू कॉपी ऑफ डीएनए बनेगी उसको हम कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन. और वो जो न्यू बनेगी इट इज रिजेंबलिंग विद द पेरेंट वन, मतलब उसकी टोटली रिजेंबलिंग जो है वो जो जिससे वो रेप्लिकेट पेरेंट से जो बिल्कुल वो रिजेंबल करती है दैट इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन. तो कॉपिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. क्रोमेटिड्स कॉपी हो रहे हैं तो डीएनए इज ऑल्सो भी कॉपीड और दिस कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. नाउ वी डिस्कस द मेन स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओल्ड स्ट्रैंड दैट मेक अप द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स अनोन. सबसे पहले जो पुराना जो पेरेंट डीएनए है या ओल्ड स्ट्रैंड उसने उसको कह दिया ठीक है वो सबसे पहले अनवाइंड हो जाएगा. ठीक है अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई उसमें. तो उसके दरमियान में जो आपको पता है कि डीएनए में स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है. हाइड्रोजन बॉन्ड जो बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स था वो सेपरेट वन पे वो अनवाइंडिंग से क्या होगा जो ओल्ड स्ट्रैंड था पेरेंट्स डीएनए का वो अनवाइंड होगा. अनवाइंडिंग से ये होगा कि जो उसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में वो सेपरेट हो जाएगी वन बाय वन. सेपरेशन के बाद ये होगा द हाइड्रोजन बॉन्ड लूजिंग कैन बी लिंक्ड टू द ओपनिंग ऑफ द जिपर. जो हाइड्रोजन बॉन्ड वो इस तरह लूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लूजिंग की वजह से ये हो गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था इस तरह से था. ठीक है ये इसके साथ यहाँ पे ए विद टी ये बेसिस अटैच थी सी विद जी. ठीक है इस तरह से हम लोगों ने जो अटैच की हुई थी इनके साथ तो ये जो पूरा एक है ये जिपर की तरह खुल जाएगा. मतलब ये यहाँ पे ए रहेगा यहाँ पे इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग थी वो ख़त्म हो गई. ठीक है और ये अब इसके दरमियान में जो है ये बिल्कुल ये बॉन्डिंग खत्म होगी ये अलहदा सी होगी ये खुलना शुरू होगी ये यहां से ये बिल्कुल इसके दरमियान में जो पहले बॉन्ड से डबल और ट्रिपल ये सारे बॉन्डिंग खत्म होगी और ये ओपन होगा जस्ट लाइक अ जिपर. ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड के लूज होने की वजह से इट लुक लाइक अ ओपनिंग जिपर कि ये बिल्कुल ओपनिंग जिपर की वजह से ये आपकी बुक में गिवन है ये चीज. ठीक है इस तरह से इनके दरमियान में बॉन्डिंग थी लेकिन जैसे ही ये इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई तो ये जस्ट लाइक ओपनिंग लाइक अ जिपर. देयर आर स्पेशल एंजाइम्स आर प्रेजेंट. ठीक है एक एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि डीएनए को अनवाइंड कर रहा है. ठीक है अनवाइंडिंग के लिए जो एंजाइम्स यूज हुआ है यहाँ पर जो कि इसको अनवाइंड कर देगा डीएनए मॉलिक्यूल को. अच्छा दिस अकर्स इन द न्यूक्लियस बेस. अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो जो बेसिस थी टू थाउजेंड ये जितने भी बेसिस जो अटैच थी इसके साथ ये होगी न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल एक्सपोज होगी बिल्कुल सामने नजर आना चाहिए होगी न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि वो जिपर की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो खत्म लूज हो गया उनके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होने की वजह से वो जो बेसिस थी वो टोटली हमें एक्सपोज होगी न्यूक्लियस के अंदर. अब जैसे वो एक्सपोज हुई न्यूक्लियस के अंदर तो न्यू बेसिस जो है वो ऐड होना शुरू हो गई तो वो जो न्यू बेसिस जो बनना शुरू उन्होंने वही रूल फॉलो किया रूल ऑफ द बेस पेयरिंग जो हम लोगों ने डीएनए स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो रूल बेस इसका अटैचमेंट का है मतलब एथिलीन इज अटैच विद थायमीन एंड साइटोसिन इज अटैच विद गवानीन तो ये जो गवानीन के साथ जो अटैचमेंट है इसकी जो बेस पेयरिंग है वही होगी यहाँ पे. अब ये हुआ कि जैसे ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड के लूज होने की वजह से बेसिस जो थी वो न्यूक्लियस के अंदर एक्सपोज होना शुरू हो गई और उसके बाद न्यू बेसिस ने बनना शुरू कर दिया एडेड टू फॉलोइंग और एडेड टू द फॉलोइंग द रूल ऑफ द बेस पेयरिंग. इन अदर वर्ड्स इफ द बेस ऑन द स्टैंड इज एडेनिन थायमिन इज एडेड टू द न्यूली फॉर्मिंग स्टैंड. अब जो ए एंड टी जो था इट इज फॉर्म विद द थायमिन. न्यू जो रूल जो उसने फॉलो किया था दोबारा से पेयरिंग का वो वही था दैट एडेनिन इज बेस पेयरिंग विद द थायमिन एंड साइटोसिन इज पेयरिंग विद द गवानीन. Likewise, guanine is always paired with cytosine. मैंने आपको भी बताया कि A with T and C with G यही रूल उन्होंने जो DNA का स्ट्रक्चर है वही रूल यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया. With each new base phosphate and deoxyribose nucleus takes their normal position. अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है the new nucleotide joins to form new strands. जो nucleotides बनेंगे उसके बाद वो new strand बना लेगा.
जो हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस करे थे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अब दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो उन्होंने रूल ऑफ बेस पेयरिंग जो उन्होंने की थी वही था जो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने की थी, एडेनिन विद थाइमिन एंड साइटोसिन विद गुआनिन, यही वो उनकी बेस पेयरिंग होगी उसी रूल को फॉलो करते हुए। अब जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो बनेंगे ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रैंड, जो नए न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं वो आपस में ज्वाइनिंग करेंगे, इसकी वजह से न्यू स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। यहाँ पे आप अगर डायग्राम पे आ जाएं तो ये देखिए, ये पहला वाला जो था वो सबसे पहले वो डीएनए है जिसने रेप्लिकेशन स्टार्ट की थी, ओल्ड वन था, पैरेंट डीएनए था। यहाँ पे जिस वक्त उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट की तो उसके दिमाग में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो लूज हो गई, वो खत्म हो गई, उसकी वजह से ये क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे जो इसकी बेसिस थी ये एक्सपोज हो गई इन टू द न्यूक्लियस। अब उसके बाद ये जो न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, ये दोबारा से उन्होंने जो हम लोगों ने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हम ज्वाइन करेंगे न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे, तो वो एक जो पैरेंट वाला था वो डिवाइड होकर दो में हो गए, तो ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स इन्होंने आपस में ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद जब न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टू फॉर्म न्यू स्ट्रैंड्स, इन्होंने नए दो स्ट्रैंड्स बना लिए। लेकिन उसने आगे एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल है स्ट्रैंड ACGAT, ठीक है, प्रोड्यूस स्ट्रैंड विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड TGCTA। इस स्ट्रैंड ने, ठीक है, उसने किसके साथ स्ट्रैंड बनाया टू प्रोड्यूस विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अनदर वन दैट इज TGCTA। ठीक है, ACGAT प्रोड्यूस स्ट्रैंड विद किसके साथ उसने स्ट्रैंड बनाया विद द TGCTA। अगर आप उसके पेरेंट वाले डीएनए को देखें वहां पे भी लिखा था ACGAT इज विद कॉम्प्लीमेंट विद द कॉम्प्लीमेंट्री अनदर स्ट्रैंड दैट इज TGCTA। यहाँ पे उसकी आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। न्यू जो बन रहे हैं वो भी वही हैं, दैट इज ACGAT स्टैंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ TGCTA। टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। अब ये जो दोनों हैं देख लें आप लोग, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 54 पे, दीज आर टू स्टैंड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो बने रेप्लिकेशन के बाद, एक तो वन हैज वन ओरिजिनल स्टैंड एंड वन न्यू स्टैंड, एक तो बिल्कुल ये ओरिजिनल ही जैसे ये पेरेंट्स की तरह था, एंड सेकंड वन इज न्यू वन, दिस वन इज अ न्यू वन, और ये तो बिल्कुल पेरेंट्स के जो पेरेंट वाला था वही तकरीबन वही बन गया, ये भी वही है रिजेंबल करता है, लेकिन दिस वन इज अ न्यू, एक से दो न्यू स्टैंड्स बन। अच्छा, ये जो बेस पेयरिंग दोबारा जो हुई थी ए विद टी सी विद जी, ये हुई थी विद द हेल्प ऑफ द एन इंसर्ट्स। ये तो पूरा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन का, हम लोग इसको लास्ट में समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को दोबारा से। आप लोगों को पता है कि सेल डिवीजन में ये होता है कि क्रोमोसोम्स किस पर मुश्तमल है, दैट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के अंदर जो है कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन। अगर एक चीज कॉपी हो रहा है, क्रोमेटिड्स जो था कॉपिंग हो रहा था, तो डीएनए इज ऑल्सो टू बी कॉपीड। इस कॉपिंग प्रोसेस को उसने कहा है दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन, कॉपिंग ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब तेरा स्टेप्स थे, फोर फाइव स्टेप्स थे यहाँ पे जो आपकी बुक में गिवन है, आप लोग पेज नंबर 54 में देखेंगे, मैं इसको दोबारा से समराइज कर रही हूँ उस टॉपिक को। इसमें ये था कि ओल्ड स्ट्रैंड जो कि ये वाला दिस वन ओल्ड स्ट्रैंड जो पैरेंट डीएनए था मॉलिक्यूल्स, उसने सबसे पहले अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी। अनवाइंडिंग के बाद ये हुआ कि इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स थे वो सेपरेट हो, हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड की लूजिंग की वजह से ये हुआ था कि इट जस्ट ओपन लाइक अ जिपर, ठीक है, इट जस्ट लाइक अ जिपर। क्या आपकी इस डायग्राम यहाँ पे भी देखिए आप, जस्ट लाइक एन ओपनिंग ऑफ द जिपर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की लूजिंग की वजह से जस्ट लाइक ओपनिंग एज अ जिपर। अब कुछ इंजाइम्स यूज हुए थे यहाँ पे भी जिन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल की अनवाइंडिंग में हेल्प की थी। जो मॉलिक्यूल अनवाइंडिंग हो रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल जो पूरा अनवाइंडिंग अनवाइंड हो रहा था, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम एंजाइम्स इज प्रेजेंट। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा था इज अकर इन द न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो जितने भी बेसिस थे, ये जितनी भी बेसिस थी, इट जो थी एक्सपोज हो गई इन टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर के सामने एक्सपोज नजर आना शुरू होगी। लेकिन जैसे ही उसके बाद अनवाइंडिंग होगी, ये सब बेस नजर आना शुरू होगी, उसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने आपस में दोबारा से पेयरिंग स्टार्ट कर दी बेस ने, और जो पेयरिंग उन्होंने स्टार्ट की इट फॉलोज द रूल ऑफ बेस पेयरिंग। जो डीएनए में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था जो उनका रूल था उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने किया, जैसे एडेनिन इज बॉन्डेड विद द थायमिन एंड साइटोसिन इज विद द गुआनिन, उन्होंने उसी रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने पेयरिंग स्टार्ट कर दी। इन अदर वर्ड्स, द बेस ऑफ द स्टैंड इज एडेनिन, थायमिन इज एडेड टू द न्यूली फॉर्मिंग स्टैंड। एडेनिन के साथ जो दूसरा अटैच होगा विद द थायमिन, एडेनिन इज अटैच विद द थायमिन, और साइटोसिन इज अटैच विद द गुआनिन। ये न्यूली जो स्टैंड बन रहे हैं उसमें भी यही रूल फॉलो होगा जो डीएनए मॉलिक्यूल में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा।
अब जैसे ही न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टू फॉर्म न्यू, अब ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियस में एक्सपोज हो गए उन्होंने ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी, रूल को ही फॉलो किया बेस पेयरिंग का, उसके बाद वो न्यू स्ट्रैंड्स बन गए। अब उसने एग्जांपल दी आपको स्ट्रैंड ए सी जी ए की, यहाँ पर जो था इट प्रोड्यूस स्ट्रैंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ, इट प्रोड्यूस अ स्ट्रैंड, ठीक है, इसने किसके साथ पेयरिंग की विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टी जी सी टी ए के साथ। अब यहाँ पर उसने रिजल्ट ये बताया कि जो टू न्यू मॉलिक्यूल्स, ये जो टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बने दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल्स इसकी जो रेप्लिकेशन से जो न्यू बना, एक तो वो जो पैरेंट वाला था वही न्यू बन गया, ठीक है, और एक उसका न्यू स्ट्रैंड बना, एक तो बिल्कुल ओरिजिनल था वही वाला पेरेंट्स की तरह से रिजेंबल कर, दूसरा भी पैर मिलता ही था बट दिस इज द न्यू वन, एक से दो बन गए। इनकी जो बेस पेयरिंग के लिए, ये जो बेस इन्होंने आपस में पेयर की है, दिस इज थ्रू द एंजाइम्स। क्रोमोसोम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, क्रोमोसोम्स चाहे वो प्लांट के हों या एनिमल सेल्स के हों, दे कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल्स के हों, बट दे हैव अ डीएनए एंड प्रोटीन। हम लोगों ने सेल डिवीजन में एक बात डिस्कस की थी कि इंटरफेस में ये था कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि कंडेंस होता है, फिर बाद में कंडेंस होने के बाद कॉइल होकर तो वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते थे, जैसे हम क्रोमोसोम्स कह रहे थे। तो यहाँ पर वही बात है, वो एक्सप्लेन कर रहा है दैट देयर इज अ थ्रेड लाइक फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक बन जाएगा बाद में, लेकिन वो एक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में होता है, तो वो सेल डिवीजन से पहले वो हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। और दिस, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, दिस विल बी कंडेंस कॉइल अप एंड दे विल फॉर्म द क्रोमोसोम्स। अब जो डीएनए, अगर आपसे कोई पूछो व्हाट इज हिस्टोन्स, हिस्टोन्स आर द डीएनए एसोसिएटेड विद द बेसिक प्रोटीन, डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल से क्या करता है, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोन्स। अब यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है वो जीन्स है। अब हेरिडिटी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि ट्रांसफर ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी ये है कि डेफिनेशन मैंने आपको भी बता दी है कि ट्रांसफर होता है कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, एंड वी डिस्कस दिस हेरिडिटी इन द प्रीवियस चैप्टर। सो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का जो यूनिट है वो क्या है, वो जीन्स है। जीन्स आर प्रेजेंट, अब जीन्स कहाँ पे मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। अब हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट करते हैं, दे विल फ्यूज, दे विल फॉर्म द जायगोट। अब 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल गैमेट एंड 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल गैमेट, सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो बनते हैं दैट इज 46। अब जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, जीन्स मौजूद है, और जीन्स जो है वो लीनियरली अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, चाहे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि मियोसिस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर भी ये जो जीन्स हैं दे हैव अ लीनियर ऑर्डर। नेक्स्ट वी डिस्कस द बैक्टीरिया। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। डेफिनेशन क्या है, जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं उसे उस ब्रांच ऑफ साइंस को, उस ब्रांच को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद है, इट इज फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे बैक्टीरिया मौजूद है, इट इज फाउंड इन एयर वाटर एंड सॉइल, हवा में भी मौजूद है, पानी में भी मौजूद है, सॉइल में भी मौजूद है, आउटसाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंस है कि ये कहाँ कहाँ बैक्टीरिया फाउंड होता है, इट इज प्रेजेंट इन एयर वाटर सॉइल इनसाइड एंड आउटसाइड the body of plant and the animal, and the study of the bacteria is called bacteriology. Now we discuss the next, that is structure of bacterial cell. ये आप लोग bacterial cell मैंने बनाया है, यहाँ भी यहाँ देखिए आप लोग bacterial cell है, ठीक है, ये इसके अंदर ribosomes मौजूद हैं, जो cell organelle में मौजूद है वो एक ribosomes है, flagellum है जो help करती है movement, ये cytoplasm DNA है, plasma membrane है, इसके अंदर cell wall भी मौजूद है, plasmid मौजूद है, pili मौजूद है, और ये इसके अंदर ये सारा ये क्रोमेटिन डीएनए डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये इसके पूरा स्ट्रक्चर है इस बैक्टीरियल सेल का। जैसे कि बैक्टीरियल सेल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर और एनिमल, दूसरे जो प्लांट्स
और एनिमल सेल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो प्लांट्स और इसमें डिफरेंस है दूसरे प्लांट्स और एनिमल सेल्स से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड एनिमल्स एंड प्लांट सेल। अब हम सबसे पहले इसकी डिस्कस करते हैं सेल वॉल। सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद है, लेकिन ये सेल वॉल जो है इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे जो सेल वॉल है वो बनी हुई थी सेलुलोज की, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। बाकी प्लांट एनिमल सेल में आप लोगों को पता है कि डेफिनेट प्रॉपर उनका न्यूक्लियस मौजूद था, बट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। इसके अंदर जस्ट लूप ऑफ थोड़ा सा लूप ऑफ डीएनए टाइप मौजूद है, ये देखिए इस तरह का लूप ऑफ डीएनए टाइप मौजूद है, बट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। और इसके अलावा इसके अंदर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नो प्रॉपर न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव जस्ट अ लूप ऑफ डीएनए। जैसे कि बाकी सेल में प्लांट सेल्स हो या नहीं, उसमें गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे मौजूद होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर ये ऐसी कोई भी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वाला कोई भी मौजूद नहीं है, दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट वन है प्लाज्मिड्स। बैक्टीरिया हैव अ प्लाज्मिड्स, दूसरे प्लांट और एनिमल सेल में नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है प्लाज्मिड्स। और प्लाज्मिड्स क्या है, दिस वन इज अ प्लाज्मिड, आप देखें, और ये क्या है, इट इज द एडिशनल लूप ऑफ डीएनए। एक एडिशनल डीएनए का लूप है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मिड्स। फ्लैजेलम ये है जी, फ्लैजेलम, ठीक है, दे हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है। और ये इसने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर ये फ्लैजेलम मौजूद है, लेकिन कुछ जो है उनके अंदर ये भी फ्लैजेलम एब्सेंट है, नहीं है उनके अंदर। पीली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि बैक्टीरिया हैव अ हॉलो प्रोटीन, ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे हॉलो प्रोटीन। बैक्टीरिया हैव अ हॉलो प्रोटीन फिलामेंट, इसके अंदर एक हॉलो टाइप प्रोटीन्स वाला मौजूद है, फिलामेंट प्रोटीन का फिलामेंट टाइप मौजूद है, जिसे हम लोग पीली कहेंगे। और इसका मेन फंक्शन जो है पीली का ये है कि दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑन द सर्फेस, किसी सर्फेस पर अटैचमेंट के लिए ये हेल्पफुल है। और सेकेंड वन, इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। ये थे जी इसके मेजर पॉइंट्स, जो बैक्टीरियल सेल के मेजर पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने भी एक्सप्लेन किए। मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं बैक्टीरिया को, कि इसमें कहाँ कहाँ मौजूद है। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल, इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इसका डिस्कस किया सेल वॉल। सेल वॉल जो है विच इज मेड अप ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, बट दे डू नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। जैसे कि दूसरे प्लांट्स सेल के अंदर जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन इस बैक्टीरियल सेल में जो है वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई। एनिमल सेल में तो सेल वॉल मौजूद ही नहीं है, एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट, बट बैक्टीरियल सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ, डू नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। दे डू नॉट, न्यूक्लियस की बात करेंगे, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर न्यूक्लियस, दे जस्ट हैव अ लूप ऑफ डीएनए, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन इट, जस्ट एक लूप ऑफ डीएनए मौजूद है, और जो ये हम लोगों ने ये भी आपको दिखाया है कि ये लूप ऑफ डीएनए। जो दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वगैरह एब्सेंट है बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद है, जो प्लाज्मिड चीज क्या है, दिस इज द एडिशनल लूप ऑफ डीएनए। एक एडिशनल लूप ऑफ डीएनए है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, हमने प्लाज्मिड का नाम दे दिया। फ्लैजेलम यहाँ पर मौजूद है जो कि हेल्प करता है द मूवमेंट, और ये कुछ बैक्टीरिया में मौजूद है, कुछ बैक्टीरिया में ये भी फ्लैजेलम वगैरह भी एब्सेंट है, फ्लैजेलम भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन इज पीली। पीली जो है वो हॉलो प्रोटीन फिलामेंट है, और इसका मेन फंक्शन ये है, या तो ये अटैचमेंट करती है सर्फेस के साथ, या फिर इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आर जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बैक्टीरियम। जीन को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू बैक्टीरियल सेल। इस टॉपिक में हमारे 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और ये इसकी डायग्राम है जो इन्हीं स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इन स्टेप नंबर 1, टू टाइप्स ऑफ डीएनए इज आइसोलेटेड। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ डीएनए हम लोगों ने आइसोलेट किए थे, पहला वाला बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, दूसरा वाला ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल के अंदर विच कंटेन द इंसुलिन, उसके अंदर जो जीन मौजूद था दे कंटेन द इंसुलिन।
हम लोगों ने दो डीएनए आइसोलेट किए, नंबर वन इज बैक्टीरियल प्लाज्मिड, नंबर टू इज ह्यूमन डीएनए, एंड ह्यूमन डीएनए कंटेन द जीन्स ऑफ इंसुलिन. नेक्स्ट वन स्टेप इज बोथ प्लाज्मिड एंड ह्यूमन डीएनए. प्लाज्मिड और ह्यूमन डीएनए इज ट्रीटेड विद एंजाइम्स. बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड ह्यूमन डीएनए, इन दोनों को किससे ट्रीट किया गया? एक ही किस्म के एंजाइम के साथ. और उस एंजाइम ने क्या किया? इट कट प्लाज्मिड डीएनए. ये कट लग गया किस पे? बैक्टीरियल प्लाज्मिड पे, एज वेल एज ह्यूमन प्लाज्मिड, ह्यूमन डीएनए दोनों के ऊपर. जब हम लोगों ने एंजाइम अप्लाई किया तो एंजाइम्स कट प्लाज्मिड डीएनए, इसने कट कर दिया प्लाज्मिड डीएनए, और इसके साथ साथ ह्यूमन डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट. ये इसकी साइट है जहां पे ये कट हो. और इसका सेकंड फंक्शन ये था इस एंजाइम का, दैट इट क्रिएट्स अ स्टिकी एंड. यहां पे इसका क्या बन गया? स्टिकी एंड बन के, ठीक है, ऑन बोथ ह्यूमन एंड प्लाज्मिड. स्टिकी एंड कहां पे बने? दोनों पे. इस एंजाइम के दो काम हुए, एक तो ये कि कट हो गया एक स्टिकी साइड से दोनों डीएनए, बैक्टीरिया का भी और ह्यूमन का भी. और इस एंजाइम से क्या क्रिएट्स हो गए? स्टिकी एंड क्रिएट्स हो गए यहां बैक्टीरियल प्लाज्मिड में भी और ह्यूमन डीएनए. अब स्टेप नंबर फोर में यह हुआ कि मिक्सिंग हो गई. सॉरी, स्टेप नंबर थ्री में यह हुआ कि ह्यूमन डीएनए इज मिक्स्ड विद प्लाज्मिड. इसमें मिक्सिंग होगी दोनों की. ह्यूमन डीएनए किसमें मिक्स हो गया? विद द कट प्लाज्मिड. ये देखें, ये प्लाज्मिड था और ये ह्यूमन डीएनए था, इन दोनों की मिक्सिंग होगी. और ये कहां पे? ये स्टिकी एंड पे, वो जो स्टिकी एंड क्रिएट हुआ था उस एंजाइम की वजह से, वहां पे स्टिकी एंड ऑफ द प्लाज्मिड बेस पेयर विद द कंप्लीमेंट्री स्टिकी एंड ऑफ द ह्यूमन डीएनए. एक स्टिकी एंड प्लाज्मिड का था, ये स्टिकी एंड था, और दूसरा स्टिकी एंड ह्यूमन डीएनए का था, और इन दोनों के मिक्स हो, इस वजह से इनकी ये मिक्सिंग हो गई स्टेप नंबर थ्री. स्टेप नंबर फोर, द एंजाइम डीएनए लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. अब एंजाइम स्टेप नंबर फोर में ये हुआ कि इसने एंजाइम जो यूज हुआ डीएनए लाइगेज ने, उसने क्या किया? दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर लिया. पहले तो ये अटैच हुए थे, मिक्स होने, यहां पे वो बिल्कुल ज्वाइन हो गए दूसरे के साथ, और उसके रिजल्ट में ये हुआ कि डीएनए प्लाज्मिड, जो डीएनए प्लाज्मिड का था, उसके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद था. स्टेप नंबर फोर में ये हुआ था कि एंजाइम लाइगेज यूज हुआ जिसने दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया. उसकी ज्वाइनिंग से ये हुआ कि जब डीएनए प्लाज्मिड का था, उसके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद था, जो कि इंसुलिन जीन पहले किसमें था? ह्यूमन. स्टेप नंबर फाइव, यह है स्टेप नंबर फाइव. दिस डीएनए प्लाज्मिड कंटेनिंग इंसुलिन जीन इज एडेड टू बैक्टीरिया. अब वो प्लाज्मिड, जो डीएनए प्लाज्मिड जो हमें मिला जिसके अंदर इंसुलिन मौजूद था, इसको हमने किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया? इसको पूरे को हमने किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया? विच कंटेन द इंसुलिन जीन इन टू द बैक्टीरियल सेल. अब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या हुआ कि इस बैक्टीरियल सेल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया प्लाज्मिड डीएनए, यहां से जो हम लोगों ने उसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए जो डाला था जिसके अंदर इंसुलिन का जीन मौजूद था, उसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया. स्टेप नंबर सिक्स में ये हुआ कि बैक्टीरिया डिवाइड रैपिडली. अब ये बार बार बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इसकी रेप्लिकेशन की वजह से जो इसके अंदर जीन मौजूद था इंसुलिन का, वो हर बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो न्यू बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस हो रहे थे, इसके अंदर इंसुलिन का जीन मौजूद था. ये था वो पूरा कि हाउ जीन, इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जीन को कैसे इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरियल सेल में. जब हम लोगों ने लास्ट में जितने भी डिवीजन के बाद बैक्टीरियल सेल ने जब डिवीजन की, जो लास्ट में जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हम लोगों को मिले, उन सब के अंदर इंसुलिन मौजूद. इसको दोबारा से समराइज में कर देती हूँ. इसमें हम लोगों के सिक्स स्टेप्स थे. टू टाइप्स ऑफ डीएनए हम लोगों ने आइसोलेट किए थे, एक बैक्टीरियल था, दूसरा ह्यूमन था, और ह्यूमन सेल डीएनए के अंदर इंसुलिन का जीन मौजूद था. स्टेप नंबर टू में ये हुआ कि उसको एक स्पेसिफिक इंजाइम के साथ हम लोगों ने ट्रीट किया, और उस इंजाइम ने ये किया कि उसने कट लगा दी, यदि कट्स लगे दोनों डीएनए. और दूसरा इसका ये था कि यहाँ पे एक स्टिकी एंड क्रिएट हो गया ताकि बाद में वो इसके साथ अटैचमेंट कर सके. यहाँ से भी स्टिकी एंड क्रिएट हुआ यहाँ पे, ताकि बाद में ये मिक्सिंग हो सके इनके आपस में, इस वजह से ये स्टिकी एंड्स क्रिएट हो गया. स्टेप नंबर थ्री में ये हुआ कि ये इनकी मिक्सिंग हो गई, ह्यूमन डीएनए इज मिक्स विद
ह्यूमन, ये वाला जो डीएनए था ह्यूमन डीएनए मिक्स विद द प्लाज्मिड, जब हम लोगों ने इसको प्लाज्मिड के साथ मिक्स किया तो मिक्सिंग से ये हुआ कि हम लोगों ने एक स्टिकी एंड, ये जो स्टिकी एंड जो क्रिएट हुआ हुआ था यहीं पे इसकी हम लोगों ने मिक्सिंग की थी, और ये एक जो था प्लाज्मिड का था, ये वन प्लाज्मिड का था और ये ह्यूमन का था जो इस स्टिकी एंड के साथ अटैच हो के मिक्स हो गया। स्टेप नंबर फोर में ये हुआ कि इंजाइम डीएनए लाइगेज यूज करते हुए ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे ये इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर इंसुलिन जीन मौजूद था। कि स्टेप नंबर फोर में जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जब डीएनए लाइगेज था जिसमें डीएनए इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ये ह्यूमन ह्यूमन डीएनए और ये प्लाज्मिड के जब दोनों मिक्स हो गए तो उसके जो रिजल्ट में जो डीएनए दोबारा जो हमें मिला डीएनए प्लाज्मिड में तो उसके अंदर इंसुलिन का जीन मौजूद था। स्टेप नंबर फाइव में ये हुआ कि डीएनए प्लाज्मिड कंटेनिंग इंसुलिन जीन, अब हम लोगों ने ये जो हम लोग को डीएनए प्लाज्मिड मिला ठीक है इसके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद था, इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया इनटू द अनदर बैक्टीरियल सेल। जब हम लोगों ने इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर किया तो बैक्टीरियल सेल ने उसको प्लाज्मिड डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे उस जो हम लोगों ने ये वाला बैक्टीरियल, ये जो प्लाज्मिड डीएनए था इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद जब इंट्रोड्यूस किया तो इसने इसको डीएनए प्लाज्मिड डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया इस बैक्टीरियल सेल ने। स्टेप नंबर सिक्स में ये हुआ इसने कॉलोनी से डिवीजन स्टार्ट की, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होते गए तो उसके अंदर जब चेक किया गया तो वो हर बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसुलिन का जीन मौजूद था। दिस इज द सिक्स स्टेप्स ऑफ हाउ टू जीन्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरियम।